गल जाए। बस अब सारे मसाले, टमाटर, हरी मिर्चें जो कुछ जाएगी अब जाएगी, मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये अदरक लहसुन में और पानी में ये गोश्त है। समझ आ गया आप लोगों को? अब हम आ जाते हैं इसके मसाले पे। इसमें इसी वक्त हम डालेंगे 6 टमाटर स्लाइस्ड, थोड़ी सी स्लाइस्ड हरी मिर्चें, 2-3 डाल दीजिए, बाकी मैं बाद में डालूंगी। नमक टीस्पून रखा हुआ, 1 टीस्पून बिल्कुल भर के, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, यस, ठीक है। क्या किया मैंने फिर बता देती हूँ आपको, फिर हम जल्दी से रबड़ी पे आएंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, गोश्त लिया 1/2 किलो, ये बीफ में भी बहुत अच्छा बनता है कढ़ाई गोश्त। अगर आप चाहते हैं कि आप बीफ में बना लें तो हड्डी वाला बीफ ही लीजिएगा, या बोनलेस ले लें, आपकी मर्ज़ी है, बोटियाँ छोटी छोटी करा लीजिएगा बीफ की। और आप क्या करेंगे, सबने पहले घी गरम करना है, ठीक है। 1/2 कप घी या ऑयल आपकी मर्ज़ी है, मैंने घी यूज़ किया है। 1/2 कप घी या ऑयल लीजिए, उसमें आप 1 बड़ी प्याज स्लाइस डालेंगे और उसको आप फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, ब्राउन नहीं करना है प्याज को। और उसके बाद उसमें मैंने शामिल किया गोश्त, और प्याज जब आपकी हल्की सी सॉफ्ट हो गई तो 1/2 किलो मटन डाला। मटन के साथ मैंने 3 टीस्पून या 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको अच्छी तरह फ्राई किया और ढक दें। कितनी देर ढक देंगे, 2-4 मिनट ढक दीजिए ताकि वो हल्की आंच पे थोड़ा सा सिमर हो जाए। फिर हमने उसको खोला, खोलने के बाद मैंने उसमें 1 कप पानी शामिल किया और दोबारा से ढक दिया। कितनी देर ढक दिया, पकाएं हल्की आंच पे 10-15 मिनट, ताकि गोश्त आपका थोड़ा 1/4 जितना तो गल जाए। हल्की आंच पे छोड़ दिया था मैंने, यहाँ तक का स्टेप मैंने कर लिया था जो मैंने अभी आपको दोबारा रिपीट किया है। फिर उसके बाद अभी मैंने इसमें शामिल किए 6 चॉप टमाटर, कैसे भी काट दें, साबुत भी डाल दें, जैसा मैंने आप लोगों को एक कढ़ाई में बताया है। और फिर उसको थोड़ी सी देर ढकने के बाद उसके छिलके रिमूव कर लीजिएगा, वो भी कर सकते हैं आप। 6 टमाटर, 1/2 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हीट भर के नमक, 2 टीस्पून हीट लाल मिर्चों का पाउडर, और 2-3 हरी मिर्च लंबाई में काट के, ये मैंने डाल के और दोबारा से इसको हल्के पे रख दिया। आई होप इट्स क्लियर। आ जाते हैं अपनी 3rd रेसिपी पे, जो कि है रबड़ी। देखें, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, पहली डिश तो आप समझे आपकी तैयार है, जो हमने सजी की है मटन सजी, आप उसको मैरिनेशन करने के बाद मैंने अवन में डाल दिया है और भूल गई हूँ। बस 1 से 1.25 घंटे बाद, जब हमारा शो ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी रहेगा, 12:45 बजे मैं उसको खोलूँगी और उसको मैं निकाल के आपके सामने उस पर नींबू डालेंगे, नींबू का जूस, और हम उसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। दैट्स डन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। दूसरी डिश कढ़ाई गोश्त करने के लिए छोड़ दिया है। अब जब ये गल जाएगा गोश्त, इसी में टमाटर के पानी में, जो थोड़ा इसमें अपना 1 कप पानी डाला था उसका पानी बाकी था, गोश्त का पानी बाकी था, जब इसमें गोश्त अच्छा गल जाएगा तो इसमें फिर हमें आखिर में जो चीज़ें डालनी है वो हम आखिर में आपको बताएंगे। लेकिन क्या क्या डलेगा, बची हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, भुना हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी और दही, दही भी जाएगी इसमें बहुत थोड़ी सी, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालूँगी, ठीक है। ये हो गया एक तरफ, अब आ जाते हैं रबड़ी पे, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने लिया है, देखें रबड़ी जो बनती है उसका अलग एक बर्तन आता है, मैं आपको जो सही बता रही हूँ उसका एक बर्तन आता है जिसे हम कहते हैं तई। तई वो होती है, ऐसा खुला बर्तन होता है, उसमें आप पराठे वगैरह जो आप देखते हो जब आप बारबेक्यू पे जाते हो खाने के लिए, तो वहाँ पे बड़े बड़े इस तरह तई होती है हैंडल के साथ, उसमें कढ़ाई में रबड़ी बनती है। लेकिन और वो होती तांबे की है, ठीक है। असल जो इसका प्रोसेस है वो तांबे की, आप काली तई में नहीं बना सकते, बिकॉज मेरे पास काली वाली तई थी घर पर जिसमें मैं पराठे बनाती हूँ, लेकिन मैं
बेहतर नहीं समझ रही थी कि उसमें से अगर उसका नीचे से काला निकलेगा तो फिर वो पूरा दूध भी बर्बाद हो जाएगा और रबड़ी आपकी बहुत अजीब सी हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए फिर मैंने ये कढ़ाई ले आई, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। और इसमें यह है ऐसी ऐसे बर्तन में बनाने से कि आप लोग के सबके घर में ऐसी कढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। दूध को बॉयल नहीं करना है, कच्चे दूध से बनेगी रबड़ी, अभी इसी वक्त ही आप चढ़ा दीजिए। मेरे पास इस वक्त कढ़ाई में दूध है 3 किलो, ठीक है, 3 किलो मेरे पास दूध है इस वक्त कढ़ाई में। और इसका चूल्हा हमने जला दिया है, थोड़ी सी देर मैंने तेज़ रखा है चूल्हा, एक इसमें जोश आने लगेगा इसका चूल्हा मैं हल्का मीडियम कर दूँगी। रबड़ी होता क्या है, कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो इट्स नथिंग, वो मलाई है बस, दूध में जो मलाई आती रहती है। अब आप देखेंगे अभी इस वक्त दूध बिल्कुल सादा है, और जब दूध पकता रहेगा तो साइडों में इसकी मलाई जमा होती रहेगी, तो वो मलाई हमें एक तरफ हटानी है, मतलब जितनी मलाई आती रहेगी वो हम हटाते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे, ताकि वो एंड में बिल्कुल सारी उसके लच्छे टाइप के वो बन जाएंगे। उतारने से पहले हम इसमें चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और पिस्ता डाल के आप इसको सर्व करेंगे, दैट्स इट, इसमें है कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके साथ ब्रेक का टाइम है तो ये जब तक पक रहा है हम ब्रेक पे से होके आ जाते हैं, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, वी विल बी राइट बैक। बलोचिस्तान मटन सब्जी अज्जा बकरी की रान 1.5 किलो, नींबू का रस 1/4 कप, सफेद सिरका 3/4 कप, मीट टेंडराइजर 1 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 4 खाने के चम्मच। तरकीब, एक बड़े पैन में पानी भरकर साफ और धुली हुई 1.5 किलो बकरी की रान डालें और 1 घंटे के लिए भिगो दें। अब इस पैन में 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप नींबू का रस, 3/4 कप सफेद सिरका, 4 खाने के चम्मच नमक और 1 खाने के चम्मच मीट टेंडराइजर शामिल करें। फिर रान को इन अज्जा के साथ भिगो कर मजीद 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद रान को पानी से निकाल कर बेकिंग ट्रे में रख दें और ग्रिल ओवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे बेक करें। आखिर में चाट मसाला और नींबू का रस छिड़क कर सर्व करें। मसाला मॉर्निंग्स में सिखाई जाने वाली रेसिपीज आप मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकते हैं। MML656 लिखकर 486 पर SMS करें और हासिल करें आज की रेसिपी बलूचिस्तान मटन सब्जी अपने मोबाइल पर। इंग्रेडिएंट्स, मटन लेग 1.5 kg, लेमन जूस 1/4 कप, व्हाइट विनेगर 3/4 कप, मीट टेंडराइजर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 4 टेबलस्पून्स। मेथड, इन अ बिग पैन फिल वाटर एंड एड द क्लीन्ड एंड वॉश्ड मटन लेग, लेट इट सोक फॉर 1 आवर, देन एड टू द सेम पैन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 कप लेमन जूस, 3/4 कप व्हाइट विनेगर, 4 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइजर। लेट द लेग सोक इन दिस फॉर अनदर 1 आवर, रिमूव मटन लेग फ्रॉम वाटर, पुट ऑन अ बेकिंग ट्रे एंड ग्रिल ऑन 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, स्प्रिंकल विद चाट मसाला एंड लेमन जूस एंड सर्व हॉट। जी देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में आज हम आपके लिए चारों सूबे की एक एक डिश बना रहे हैं। पहली जो हमारी बलूचिस्तान की डिश थी वो थी मटन सब्जी, जो कि अवन में जा चुकी है। और उसके बाद जो हमारी दूसरी डिश थी वो पेशावर से है, जो कि है कढ़ाई गोश्त, और वो भी हमने रख दिया है, चढ़ा दिया है, बन रहा है। सॉरी, कॉलर हैं दोहा से करिश्मा, उनसे हम बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। क्या कहेंगी? आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, कोई फरमाइश? केक बनाना सिखा दीजिए। कौन सा केक? कोई भी हो। अच्छा ठीक है, जरूर सिखाऊंगी, शायद नेक्स्ट वीक है, ठीक है। अच्छा, आज के सवाल का जवाब दीजिए। जी बिरयानी। सॉरी, बिरयानी। अच्छा ठीक है, ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कढ़ाई गोश्त अपना पक रहा है, मैं अभी एक दफा रिकैप करती हूँ।
पहले आप आ जाइए रबड़ी पे। रबड़ी के लिए एक बर्तन में मैंने लिया है 3 किलो दूध। 3 किलो दूध मैंने बिल्कुल पहले से बॉयल नहीं था, कच्चा दूध था। अच्छा, एक और बात देखें, अच्छी सी बात मुझे याद आ गई है, प्लीज़ इस रबड़ी को बनाने के लिए टेट्रा पैक दूध नहीं चलता, यू हैव टू यूज़ फ्रेश मिल्क। ठीक है, कॉलर हैं फरजाना फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। फरजाना आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने कल ड्रॉप हो गई ना कल। जी कल कॉल की थी तो ड्रॉप हो गई मेरी कॉल। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका वो हम रोजाना देखती हूँ और अभी भी देख रही हूँ। मुझे ना आपकी वो रिपल आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगी थी तो उस वक्त से मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब दीजिए। जी जर्दा है। ठीक है, और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि करंची सैलेड बार आपने बनाया था ना एक दफा एपिसोड में, तो वो आप इसको फेसबुक पे वो लोड कर दें। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। और एक वो क्या नाम है, चाट कॉर्नर भी था, वो भी क्या था, चाट कॉर्नर। अच्छा चाट कॉर्नर, अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा मुझे आपका ना वो फोन नंबर, मैं लास्ट पाकिस्तान आई थी, मैंने भी कोशिश करी कि आपका नंबर मिल जाए मगर कॉन्टेक्ट हो ही नहीं सका आपसे ना। आपने बहुत बड़ी गलती की, मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, आप मसाला चैनल पे कॉल कर लेती ना तो मेरी आपसे मुलाकात हो जाती। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप दुआ करें मैं आके वहाँ आपसे मिलूँ, या आप दोबारा आएँ तो ज़रूर मसाला चैनल पर आ जाइएगा। आपको पता ही है मैं डेली यहाँ होती हूँ 2 बजे तक। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, माहीन फ्रॉम कराची। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? मैं ठीक हूँ, आपा क्या आपा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे मेरे फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की है, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी कॉल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया माहीन, आपने दिल से कॉल की तो जी और मैंने फर्स्ट टाइम डाली किया और मिल भी गई 2 मिनट में। चलें जी जबरदस्त, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स बेटा। जी आपा, आपा मैं आज के सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जरूर। बिरयानी। ठीक है जी। अच्छा थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी आ जाइए रबड़ी पे दोबारा से। 3 किलो दूध लिया था, खुले मुँह का बर्तन हो। कॉलर हैं जी मस्कत से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शीना पा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कल आपको देखा था दोबारा भी रिदा के प्रोग्राम में। अच्छा? लग रहा था जमीन पर कहकशा उतरी हुई है। बहुत शुक्रिया जी, इतने सब लोग अच्छे लग रहे थे और आपका केक भी बड़ा जबरदस्त था। अच्छा बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का प्यार है भाई, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब दूंगी जी, वो है जर्दा। अच्छी बात है, ठीक है, आपने जाहिर बात है कल शो देखा है तो आपको बिल्कुल सही पता है। बिल्कुल बिल्कुल पता है, आपका रोज का जवाब पता होता है मुझे। अच्छा। रोज हिम्मत करती हूँ कि करूँ फोन लेकिन वो कॉल लगती नहीं है। चलें आज लग गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक बहुत प्यारी फैन है वहाँ पे मस्कत में, बहुत ही प्यारी, तो उसको तो बेचारी को कॉल ही नहीं लगती है। अच्छा नहीं, मुझे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लग गई। और शीरिना का एक दो क्वेरीज है मेरी आपसे। जी बोलिए। एक तो ये कि क्या जिस चीज में हम फूड कलर डालते हैं उसमें हम तलहार मिर्च डाल सकते हैं कलर के लिए? किस चीज में? जिस किसी चीज में फूड कलर डलता है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग फूड कलर इन इट, कैन बी पुट तलहार मिर्च? नहीं देखिए, फूड कलर पिंच पड़ता है, तलहार मिर्च आपका फ्लेवर चेंज कर देगी। अच्छा अच्छा ठीक है ना, नहीं हर चीज़ में तो नहीं पड़ता ना, तलहार मतलब तलहार मिर्च इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑरेंज कलर। नो ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये देखें, दूध पे जो मलाई आती जा रही है इसको आपको, ये असल रबड़ी की जो लच्छियाँ बनती हैं ना इससे बनती हैं, ये आप साइडों में हटाते जाएं।